2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। तो नहर खोदनी अभी से शुरू करनी चाहिए, वो नहर खोदनी शुरू करें। इस वायर नहर अकाली दल नहीं निकल दूंगा, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, एक भी बूंद पानी दी पंजाब दे पानी दी बाहर सूबे नहीं जाऊगी। एस वाई एल के उत्ते असं पहले ही चाहते हैं कि कलैरिटी भगवंत मान जी दे, उस तो बाद कलैरिटी केजरीवाल साहब दे, तीसरी कलैरिटी आप दे एम पी दे के कितने खड़े। हरियाणा और पंजाब को अलग हुए 50 साल हो गए। इस 50 साल में कई बार केंद्र में, पंजाब में और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही, और कई बार केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में बीजेपी की सरकार रही। ये मुद्दा हल नहीं करना चाहते, ये बना के रखना चाहते हैं ताकि इस मुद्दे पे लेके वोट की राजनीति खेलते रहें। हमारी पंजाब सरकार में आ गई है, पंजाब के अंदर हमारी सरकार आ गई है, 2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है, 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे, ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। अरविंद केजरीवाल साहब एस वाई एल के उत्ते अपना स्टैंड क्लीयर कर, पंजाब नालों स्टैंड करते ने, हरियाणा ने करते कि दिल्ली ने कर, अजे तक उन्होंने स्टैंड क्लीयर नहीं किया। अज असी रिपीटेडली ये सवाल पूछना चाहते हैं कि गुप्ता साहब ने, सुशील गुप्ता जी ने जिहड़ी ये स्टेटमेंट दिती जिहड़ी पंजाब दे इंटरस्ट नूं बहुत घातक है, कि वह उहदी अरविंद केजरीवाल साहब की सहमति है इस गल दे नाल। एस वाई एल के उत्ते असी पहले ही चाहते हैं कि कलैरिटी भगवंत मान जी दे, उस तो बाद कलैरिटी केजरीवाल साहब दे, तीसरी कलैरिटी आप दे एम पी दे के कितने खड़े। जिहड़ी वड्डी गल है, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जो चीफ मिनिस्टर सी, उन्हां ने जिहड़ी एस वाई एल दी जमीन अक्वायर कीती सी उह वी वापस फार्मर्स नूं देती है। हुण एस वाई एल दा मुद्दा जिहड़ा आम आदमी पार्टी उठा रही है कि पानी लैके जाणा है, उह सुपने रहणगे उहनां दे, जो मर्जी जोर ला लैण, असीं नहीं जाणदे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਪਰ ਅਭੀ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਪਨੇ ਲੇਤੇ ਰਹੇ,
ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਕਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਕਾ ਕਾਮ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਨਕੋ ਨਹਿਰ ਖੋਦਣੀ ਅਭੀ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ, ਨਹਿਰ ਖੋਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ।